का स्वागत इस्तकबाल सेशन में, और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग बूस्टर और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फटाफट सभी लोग तैयार हो जाइए हमारे सेशन के लिए, और हम लोग 25 तारीख की जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक्सीलेटर बैच फॉर SBPO 2022 एग्जाम के लिए मार्च 23 2022 को आ चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैक ऑन पॉपुलर डिमांड गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 मार्च 26 2022 को सैटरडे को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी कल। बैंक एग्जाम 10 बजे, SSC एग्जाम 2 बजे और रेलवे एग्जाम 5 बजे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें इनरोलमेंट करने के लिए आप इस QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं, और आपको अपने फैकल्टी कोड का यूज करना है ARS50, ठीक है दोस्त। तो इस कोड का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल सके, ठीक है दोस्त। चलिए, फ्री इनरोलमेंट हो सके। और आपको बता दें कि आपके लिए नए जो गोल हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बैंक एग्जाम कन्नड़, बैंक एग्जाम तेलुगु, बैंक एग्जाम तमिल और इंश्योरेंस एग्जाम, ठीक है दोस्तों। और इनके तहत जो ये न्यू गोल हैं, इनके तहत भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सोनाली घोष जी, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, वेलकम, ठीक है बेटा। सो वेलकम इन द सेशन, ठीक। चलिए आगे आपको बता दें, प्राइस हाइक होने जा रहे हैं, तो फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और यूज करिए ARS50 कोड। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस में टारगेट SBI अप्रेंटिस बैच 2022 के लिए आ चुका है। बिगिनर्स बैच भी SBI क्लर्क 2022 के लिए चल रहा है। ये बैच 9 मार्च से चल रहा है दोस्तों, और 9 मार्च से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आइकॉनिक के तहत आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। आइकॉनिक के तहत आपको डिस्काउंट के लिए ARS50 कोड यूज करना है। बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन होता है 12 मंथ और 24 मंथ का होता है, चाहे वो आइकॉनिक हो चाहे वो प्लस हो, और डिस्काउंट के लिए यूज करिए ARS50 कोड। तो आपको बता दें, अनअकैडमी आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी, ठीक, एक यूनिक फीचर है जिसके तहत आप वेबसाइट और ऐप दोनों जगह से अपने डाउट पूछ सकते हैं, जितनी भी तैयारी आप कर रहे हैं, और तैयारी में आपके पास जो भी डाउट आते हैं आप अपने एक्सपर्ट पैनल से पूछ सकते हैं। एक बार में आप 3 डाउट तक पूछ सकते हैं, और इसका आंसर आपको प्रेफर्ड लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपने प्रेफरेंस दी होगी, ठीक है दोस्तों। रेज हैंड एक और यूनिक फीचर है जिसके तहत आप अपने फेवरेट एजुकेटर से बात कर सकते हैं लाइव क्लास में, और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। प्री स्पेशल क्लास 3 PM पर ऑर्गेनाइज होती है दोस्तों, और आप यहां पर 40 out of 40 की तैयारी कर सकते हैं। यह रामबाण क्लास, ठीक है, और इस समय जो क्लास चल रही है वो RBI असिस्टेंट को टारगेट करते हुए चल रही है, ठीक दोस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहली ताजा खबर आज की। पहली ताजा खबर क्या है ये फटाफट सभी दोस्त देख लेते हैं, पहली ताजा खबर क्या है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है, ठीक है। सो आपको बता दें, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है विप्लोबी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता, ठीक। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो 23 मार्च को किया गया है वर्चुअली, ठीक है। सो वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और आपको बता दें, 23 मार्च को शहीद दिवस, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, उस दिन को याद करते हुए हम अपने देश में शहीद दिवस मनाते हैं। और शहीद दिवस के उपलक्ष में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विप्लोबी भारत गैलरी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में इसका उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा, पहली खबर आपके लिए। चलिए दूसरी खबर आ गई है, मलेशिया बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों की मेजबानी करने जा रहा है। यानी कुल मिला के ऐसे समझिए कि बरसामा शील्ड 2022 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो मलेशिया में आयोजित होने जा रही है, और 4 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे सिंगापुर है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, ठीक। तो ये 4 देश और एक पांचवा देश कौन है, मलेशिया, जहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको बता दें, बरसेमा का मतलब क्या होता है, टुगेदर इन मलय, यानी एक साथ मलय में, ठीक है। द एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व सी एंड एयर ड्रिल, तो इस एक्सरसाइज में समुद्री अभ्यास भी किया जाएगा और वायु अभ्यास भी किया जाएगा। मोस्ट इन इंटरनेशनल जो वाटर बट ऑल्सो इन पार्ट ऑफ मलेशिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द साउथ चाइना सी। तो ये है मलेशिया के द्वारा आयोजित किया जाने वाला बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास,
जो कि समुद्र और वायु दोनों क्षेत्र में किया जाएगा। 4 देश इसमें और पार्टिसिपेट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके लिए दूसरी बड़ी खबर। ठीक, एक एक खबर आपको मैं सुनाता जाऊंगा, आप बस पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है दोस्तों, बस आप पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। ठीक सोनाली जी, आपके आंसर आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन आ गया है कि अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्य जीव वॉन्ड, मूल्य जिसका $150 मिलियन है, लॉन्च किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की एक सहयोगी बॉडी है या सब्सिडरी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आप आई बर्ड कहते हैं। इसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, कौन सा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है, जिसके तहत सपोर्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका में कंजर्व करने के लिए जो प्रजाति खत्म हो रही है ब्लैक राइनो की, उनको बचाने के लिए। ठीक है, तो बॉन्ड विल बी कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग ब्लैक राइनो पॉपुलेशन इन 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। देखो होता क्या है, वर्ल्ड बैंक ने ये बॉन्ड जारी किया। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने ये बॉन्ड क्या किया, जारी किया। अब ये बॉन्ड जो लोग भी इन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा किसको मिलेगा, वर्ल्ड बैंक यानी आई वर्ल्ड को मिलेगा। आई वर्ल्ड उस पैसे को कहाँ लगा देगा, दक्षिण अफ्रीका में जो काले गेंडे हाथी होते हैं उनको बचाने के लिए। ठीक, समझ गए बात। और ये दो एरिया, एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेशनल रिजर्व, ये दो एरिया है जहां पर इनको संरक्षित करने की बात की जा रही है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक, तो आई होप अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी वन्य जीव बॉन्ड मूल्य $150 मिलियन के जारी किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मेलपास। कौन है, डेविड मेलपास है। ठीक, फिर एक खबर आती है, अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलिवन, ठीक है, डेनिस पी सुलिवन, इनको 2022 का एबल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो गणित के क्षेत्र में एबल प्राइज बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो अमरीकी गणितज्ञ हैं डेनिस पी सुलिवन, इन्हें 2022 का एबल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, आप सभी को बता दें, द एबल प्राइज फॉर ईयर 2022 हैज बीन अवार्डेड टू अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पर्नेल सुलिवन। ठीक है, मिस्टर डेनिस हैज बीन अवार्डेड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टोपोलॉजी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। ठीक है, अब ये जो अवार्ड दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है एलजेब्रा में, ठीक, इसके बाद ज्योमेट्री में और डायनेमिकल एस्पेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इस अवार्ड को जो एबल अवार्ड है इसे देता कौन है, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर प्रोवाइड करता है गणित में अद्वितीय उपलब्धि के लिए। ठीक है, समझ गए बात। तो एबल प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के जो गणितज्ञ हैं डेनिस पर्नेल सुलिवन, इनको दिया गया है 2022 का एबल प्राइज। ठीक, नाउ अगली खबर पे आ जाते हैं। सरकार ने 2022 और 23 के लिए DFI के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा ऋण देने का लक्ष्य रखा है। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में NABFID की स्थापना की। ठीक है, NABFID का मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसके थ्रू इन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है NABFID, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंस की बात होती है वो प्रोवाइड करेगा। और इसे अभी हाल ही में NABFID को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया है। ठीक, तो 1,00,000 करोड़ गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट सेट 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग टारगेट फॉर DFI फॉर 2022-23। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ अबाउट 1 ट्रिलियन फॉर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर सैंक्शनिंग लोन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन द नेक्स्ट ईयर 2022 और 23। ठीक है दोस्तों, तो अगले साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा उसके लिए 1,00,000 करोड़ सरकार ने सेट कर दिया है। NABFID इज अ गवर्नमेंट बैक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो NABFID क्या है, एक सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको अपना काम स्टार्ट करना है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23, यानी अप्रैल, मई, जून, ये पहला क्वार्टर होता है, इसमें ये अपना काम शुरू कर देगा 2022 में। KV कामत साहब को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया। KV कामत इज द चेयरमैन ऑफ NABFID। तो NABFID के चेयरमैन कौन बने हैं,
केबी कामत साहब बने हैं। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा पॉइंट सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रलय मंडल का नाम आप सभी ने सुना होगा, प्रलय मंडल। ठीक, तो प्रलय मंडल अपॉइंटेड एज अ इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ सीएसबी बैंक। प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक का अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रलय मंडल एज अ इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीएसबी बैंक। ठीक है, प्रेजेंटली ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीएसबी बैंक। तो सीएसबी बैंक में ये क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और कैथोलिक सराइन बैंक, ठीक है, तो इनको अब क्या बना दिया गया, अंतरिम सीईओ और एमडी बना दिया गया। तो इसके पहले कौन था, सीबीआर राजेंद्रन साहब इसके पहले सीएसबी बैंक को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने हेल्थ के कारण अपना अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से अंतरिम जो एमडी और सीईओ है वो प्रलय मंडल को बनाया गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, GIF आपने देखा होगा WhatsApp पे बहुत सारे बधाई संदेश या संदेश भेजाते हैं, तो वो GIF फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो GIF के निर्माता थे स्टीफन बिलहाइट। ठीक है, स्टीफन बिलहाइट, इनका निधन हो गया। स्टीफन बिलहाइट का 74 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन। ये GIF के क्या थे, निर्माता थे। तो स्टीफन बिलहाइट क्रिएटर ऑफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74 ईयर ड्यू टू कोविड रिलेटेड इशू। इनको कोविड के कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे, जिसके कारण इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है दोस्त, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी, इनका निधन हो गया है। और लाहोटी साहब 35 में चीफ जस्टिस भारत के बनाए गए थे 1 जून 2004 को, और वो रिटायर हुए 1 नवंबर 2005 को। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी साहब का निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं DBS बैंक के बारे में। तो DBS बैंक इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखिए, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम का मतलब क्या है, DBS बैंक ने कहा है कि आप लोग हमारे पास पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हर एक बैंक में जो ग्राहक होते हैं वो पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब ये जब जो पैसा डिपॉजिट करेंगे, तो ये जो पैसा होगा, ठीक, इस पैसे को DBS बैंक कहाँ पे फाइनेंस करेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट में। कहाँ करेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट में करेगा। ठीक, समझ गए बात। तो इसे कहा गया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। DBS Bank India has announced the launch of Green Deposit Program for corporate clients. जितने भी corporate clients हैं, उनके लिए Green Deposit Program लाया है, which will provide the simple way to companies to support environmentally friendly project or avenues. तो जो पैसा इनको मिलेगा, उससे ये environment friendly project के लिए पैसा finance करेंगे। DBS Bank की अगर बात करें इंडिया की, तो इसका headquarter मुंबई में है, और सुरोजीत सोम इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट खबर, दलाई लामा का नाम सभी ने सुना होगा और डेसमंड टूटू का नाम सभी ने सुना होगा। तो चिल्ड्रन बुक आई है, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। एक बच्चों के लिए किताब आई है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ऑथर्ड बाय दलाई लामा और डेसमंड टूटू। ठीक है, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो एक पिक्चर बुक है, जिसको को ऑथर किया है नोबेल प्राइज विनर 14th दलाई लामा और आर्क बिशप डेसमंड टूटू। द लिटिल बुक ऑफ जॉय विल बी रिलीज इन सितंबर 22। इस किताब को सितंबर 2022 में रिलीज किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यू फॉर्मेट पे, जो करंट अफेयर्स कल और आज मैंने आपको पढ़ाया है, इसके ऊपर बेस्ड आपका एमसीक्यू ये रहा। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन सिलेक्टेड लोकेशन फॉर बेटर सॉइल हेल्थ। बेहतर मृदा स्वास्थ्य, यानी जो मिट्टी होती है उसके स्वास्थ्य के लिए चुनिंदा स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो कल मैंने आपको बताया था कि केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट, कौन सा स्टेट, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, तो केरला पहला ऐसा राज्य बन गया है
जिसने इंट्रोड्यूस कर दिया कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस पे, जहां पे मृदा को और स्वस्थ किया जा सके सॉइल की हेल्थ को देखते हुए। केरला गवर्नमेंट ने बजट 2022-23 में 6 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट भी किए हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विल इंप्लीमेंट द कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इन 13 फार्म्स इंक्लूडिंग इन ट्राइबल एरियाज, एंड स्टेप्स वर आल्सो टेकन टू कन्वर्ट द स्टेट सीड फार्म अलुबा टू अ कार्बन न्यूट्रल फार्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल फार्म जो फार्म में खेती की बात की जा रही है, 13 लोकेशंस को टारगेट किया गया, ट्राइबल एरिया भी इसमें इंक्लूड है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो केरला पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अलाउड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, इस समय 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और 5 राज्यों में चुनाव के तहत अलग अलग राज्य में जहां जिस पार्टी की सरकार बनी उनके मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। अभी कल मैंने आपको पढ़ाया था कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शपथ ली। आज मैं आपको बता रहा हूं पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, उत्तराखंड के राज्यपाल का आपको नाम बताना है, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि दूसरी बार लगातार क्या बने हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको जो शपथ ग्रहण कराई गई है उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा, उनका आपको नाम बताना है। फटाफट बताइए उनका नाम क्या है, फटाफट। पुष्कर सिंह धामी स्वॉन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। नेम द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड हु एडमिनिस्टर्ड हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सोनाली घोष आंसर दे रही हैं, बहुत बढ़िया मैम, आंसर ऐसे ही देते जाइए। तो सोनाली घोष मैम के तो आंसर आ रहे हैं, चलिए फटाफट सभी दोस्त आंसर देते जाइए, सभी दोस्त आंसर देते जाइए। तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल हैं, बेबी रानी मौर्य के बाद जो नए राज्यपाल बने थे उनका नाम है गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को शपथ ग्रहण कराई है, गुरमीत सिंह ने सेकंड टर्म के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बनाया गया है परेड ग्राउंड देहरादून में, सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। अलोंग विद हिम 8 कैबिनेट मिनिस्टर वर आल्सो एडमिनिस्टर्ड ओथ। तो 8 जो मंत्री हैं कैबिनेट के राज्य में, उन्होंने भी ओथ और शपथ ग्रहण में समारोह में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, नई दिल्ली में वैक्सीन सहयोग पर ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र और कार्यशाला का शुभारंभ इन्होंने किया है। ठीक, ये थी करंट अफेयर्स की खबर। अब आपको ये बताना है ब्रिक्स का मुख्यालय इनमें से कहां पर है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, संघाई में। कहां पर है, संघाई में है, और संघाई कहां पर है, चीन में। ठीक है दोस्तों, देखिए डॉक्टर मनसुख मंडाविया यूनियन मिनिस्टर हैं, मनसुख मंडाविया यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वर्कशॉप वैक्सीन कोऑपरेशन थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई, इसका हेडक्वार्टर संघाई में है और ब्रिक्स में 5 देश सदस्य हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है, चाइना के पास है, और इस बार की जो थीम है वो है फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक, याद रखिएगा ब्रिक्स का जो बैंक है उसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसकी एक शाखा भारत में IFSCA गिफ्ट सिटी में खोली गई है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि ब्रिक्स जो विकास बैंक है जिसे एनडीबी कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है। ठीक है, 5 ब्रिक्स देश है, 4 नए देशों को इसका सदस्य बनाया गया, किसमें, एनडीबी में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। What is the rank of India in Global House Price Index Q4 2021 released by property consultant Knight Frank? Knight Frank के अनुसार भारत की पोजीशन आपको बतानी है Q4 2021 में Global House Price Index में। ठीक, फटाफट बताइए सभी दोस्त भारत की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर भारत को 51वां स्थान मिला है। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है, 51वां स्थान मिला है। ठीक दोस्त, आंसर नहीं आ रहा है आप सभी के, प्लीज आंसर देते जाइए, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर देते जाइए, आंसर जरूर देते जाइए। तो इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स रैंक बाय 5 स्पॉट, प्लेस एट 51
पोजीशन इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर 2021, ठीक है, किसके द्वारा, नाइट फ्रैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। और इसमें जो नंबर एक पर है वो कौन है, टर्की का, टर्की नंबर एक पर है, ठीक, जो नंबर टॉप किया है वो टर्की देश, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, जो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर का बेस्ड है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये कहाँ पाया जाता है, मैंने कल आपको बताया था कानपुर का ये बैंक है, कहाँ का बैंक है, कानपुर में काम करने वाला ये कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक। और यहां पर मैं आपको बता दूं एक और बात, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 56 के तहत इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई बैंक पर्याप्त मात्रा में उसके पास बैंक चलाने के लिए संसाधन नहीं है या भविष्य में उसके पास प्रॉफिट को गेन करने की संभावना नहीं है तो आरबी उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देता है, ठीक है। अब जिन ग्राहकों का पैसा इस बैंक में है उन ग्राहकों के पैसे को इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, DICGC, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। और एक खाते पर 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 56 के तहत RBI ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगली खबर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे आप OECD कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसने भारत की GDP ग्रोथ, देखिए 2022-23 यहां होना चाहिए 23, चलिए 22-23 के लिए कितनी अनुमानित की है, मुझे थोड़ा सा संशोधन लगना चाहिए, 23-24 होनी चाहिए यहाँ पे, 2023 और 24 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2023 और 24, चलिए 2023 और 24 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2023 और 24, अब बताइए कितनी GDP ग्रोथ एस्टीमेट की है, फटाफट बताइए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की GDP विकास दर क्या अनुमानित की है OECD ने, फटाफट, ए बता रही है 5.9%, तो इसका जो सही आंसर है 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 5.5% है और 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 8.1% है, ठीक, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। किस कंपनी ने गिग इंडिया में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, किस कंपनी ने गिग इंडिया में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है जो फ्रीलांस सूच उद्यमियों के लिए एक नेटवर्क, तो इनमें से विच कंपनी हैज एक्वायर अ 100% स्टेक इन गिग इंडिया विच इज अ नेटवर्क फॉर फ्रीलांस माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी सेवा में। तो आपको बता दें फोन पे एक ऐसी कंपनी है जिसने 100% स्टेक एक्वायर कर लिए गिग इंडिया के। फोन पे डिजिटल पेमेंट कंपनी बैक्ड बाय द फ्लिपकार्ट अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन गिग इंडिया, ठीक है, विच इज अ नेटवर्क फॉर फ्रीलांस माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है दोस्तों। अंडर द एक्विजिशन फोन पे विल गेट द लवरेज ऑफ गिग इंडिया, ठीक है दोस्तों, नेटवर्क और 1.5 फ्रीलांस माइक्रो एंटरप्राइजेस टू हेल्प कॉर्पोरेट एंड प्रमोट डेवलपमेंट, ठीक है। तो गिग इंडिया जिसका 100% स्टेक फोन पे ने अधिग्रहित किया है वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है फ्रीलांस माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और लगभग 1.5 मिलियन फ्रीलांस माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनको ऑपरेट कर रहा है, सेल हेल्प कर रहा है कौन, गिग इंडिया। तो अगर हम बात करें कि गिग इंडिया कस्टमर बेस्ड इंक्लूड्स कंपनी लाइक अमेजोन पेमेंट टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री स्विगी पेयू अमंग अदर, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रोवाइड करना कॉरपोरेट इंटरप्राइजेस और पार्टनर्स को, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आता है सुजलाम 2.0 अभियान के लिए, सुजलाम 2.0 अभियान के लिए वर्ष 2022 की थीम क्या है, सुजलाम 2.0 अभियान के लिए 2022 का विषय क्या है, व्हाट इज द थीम, फटाफट आंसर देते जाइए, व्हाट इज द थीम, चलिए आंसर दीजिए भाई सभी लोग, फटाफट आंसर देते जाइए।
सुजलम 2.0 अभियान के लिए वर्ष 2022 का विषय आपको बताना है। तो इसका जो थीम है वो वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे वाली ही थीम है। सभी दोस्तों को आंसर देना है फटाफट। चलिए, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सभी ने नाम सुना होगा, इन्होंने अनाउंस किया है सुजलाम 2.0 स्कीम को। और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। इस बार की थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। चलिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट, पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था, भाला फेंकने वाले प्लेयर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है, और ऐसे प्लेयर का नाम है देवेंद्र झाझरिया। क्या नाम है? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया साहब को क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। देवेंद्र झाझरिया बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ही हैज वॉन मेनी पैरालंपिक्स मेडल, इन्होंने बहुत सारे पैरालंपिक्स मेडल जीते हैं। इन्होंने 2004 पैरालंपिक्स एथेंस में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। 2016 रियो गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ठीक। तो ये तो हो गए देवेंद्र झाझरिया जिन्हें पद्म भूषण दिया गया। एक और पैरा एथलीट है, शूटर है, इनका नाम है अवनी लिखारा। इन्होंने क्या जीता है? पद्मश्री जीता है। इनको क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया, ठीक, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की हैव जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड एशियास लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन, ठीक है दोस्तों, विंग्स इंडिया 2022। तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा क्या बनाया गया है, एक विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया, और ये कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि हैदराबाद में विंग्स इंडिया, हैदराबाद में, बिल्कुल सही आंसर है हैदराबाद। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की आर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज एशियास लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन, ठीक है, विंग्स इंडिया 2022। विंग इंडिया अवार्ड भी यहां पर दिए गए, तो विंग्स इंडिया जो 2022 है इसे बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया है, और इस बार की थीम है इंडिया एड्रेट 75 द होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा विंग्स इंडिया कैंपेन कहां पर स्टार्ट किया गया? हैदराबाद में। कहां पर स्टार्ट किया गया? हैदराबाद में, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एलिमिनेट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है दोस्तों। तो इस बार की जो थीम है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की वो है इन्वेस्ट इन द एंड टीबी, इन्वेस्ट टू द टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महिला वर्ग में विश्व की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी एस्ले वोर्टी ने पेशेवर टेनिस में संन्यास की घोषणा कर दी, वह किस देश के लिए खेलती है? तो वर्ल्ड की नंबर एक टेनिस प्लेयर हैं एस्ले वोर्टी, और ये ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। कहाँ से आती हैं? ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, बिल्कुल सही है। और सोनाली घोष, यू आर प्रोवाइडिंग द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड नंबर वन एस्ले वोर्टी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस। सो वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर हैं वुमेन्स कैटेगरी में एस्ले वोर्टी, 25 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। सी वॉन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम इन 2019 फ्रेंच ओपन, ठीक है। जनवरी 2022 में इन्होंने पहली बार होम प्लेयर ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है, ठीक है दोस्तों, 44 साल के बाद, ठीक। और ये कहां से आती है? ऑस्ट्रेलिया से आती है, ठीक। चलिए नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक नई पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है दोस्तों। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये किताब ऋचा मिश्रा ने लिखी है। किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ऋचा मिश्रा। देखिए, इंडियन जर्नलिस्ट हैं और रिपोर्टर हैं हिंदू बिजनेस लाइन में ऋचा मिश्रा। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ठीक। और इन्होंने फोकस किया है कि भारत को अपना ऑयल और गैस प्रोड्यूस करना चाहिए।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को आयोजित किया जाता है। देखो आपको एक बता दें, जैसे मेरा जो सेशन चलता है, आज मैंने जितनी न्यूज पढ़ाई है, जितनी भी न्यूज आज आपको मैंने पढ़ाई है, जितनी भी न्यूज जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज थी, जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए, इनके एमसीक्यू आपको कल मिलेंगे। एमसीक्यू कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, ठीक है। और कल नई न्यूज यानी न्यू न्यूज आ जाएंगी कल, समझ गए बात। तो ये कॉम्बिनेशन चलता है, यानी जो एक दिन पहले आपको न्यूज खबरें इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं उनके एमसीक्यू आज आपको मिल रहे हैं, आज जो आपको मैंने खबरें पढ़ाई इसके एमसीक्यू आपको कल मिलेंगे, ठीक है, समझ गए बात। तो आप सभी को बताते चलें कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है वैश्विक स्तर पर 23 मार्च को एवरी ईयर। द डे इज सेलिब्रेटेड एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसर्ट जो कंसंट्रेट्स ऑन बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर, और यहाँ पर अर्थ के एटमोसफेयर की बात होती है। 2022 की थीम है अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। क्या है? अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। शहीद दिवस जिसे मार्टियर्स डे भी कहा जाता है भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आप सभी को बता दें 23 मार्च को मनाया जाता है। शहीद दिवस के दिन दो काम हुए हैं। एक जो विप्लोबी गैलरी है विक्टोरिया हॉल में, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी करप्शन नंबर भी शहीद दिवस के दिन जारी किया है 23 मार्च 2022। 23 मार्च को शहीद दिवस या मार्टियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। शहीद दिवस मार्टियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च, और ये उन कहते हैं ना कि अंग्रेजों के खिलाफ उन वीरता संग्रामियों संग्राम के लिए जो हमारे योद्धा लड़े थे, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हाल ही में सेमेलू बॉबे माइगा का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको बता दें माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलू साहब का निधन हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली सोमेलू पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 इन बमाको। बमाको माली की राजधानी है, और यहाँ पर है हॉस्पिटल में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है? Which state police recently conduct a joint exercise सुरक्षा कवच 2 with the Indian Army? भारतीय सेना के साथ सुरक्षा कवच 2 में महाराष्ट्र पुलिस ने पार्टिसिपेट किया है। किसने पार्टिसिपेट किया? महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा पार्टिसिपेशन किया है। सोनाली घोष लगातार आंसर देती जा रही है, वेल डन बेटा। तो इंडियन आर्मी अग्निवास डिवीजन ऑर्गेनाइज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2, महाराष्ट्र पुलिस, लूला नगर, पुणे। द एक्सरसाइज एम टू काउंटर एनी टेररिस्ट एक्शन इन पुणे, ठीक है। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स, ठीक है, ऑफ इंडियन आर्मी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, अमंग द क्विक रिएक्शन टीम, डॉग स्क्वाड एंड बॉम्ब डिस्पोजल टीम ऑफ द बोथ एजेंसीज, ठीक है दोस्तों। तो महाराष्ट्र पुलिस को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 12वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2021 में कितने प्रतिशत तक गिर गई है? 13.2% से गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है ये आपको बताना है। तो ये 13.2% जो 2020 में थी गिरकर 9.8 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो इन अकॉर्डेंस विद द 12 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर एंड अबव अर्बन एरियाज डिप्ड टू द 9.8%, ठीक है, 9.8% तक नीचे गिर के आ गई है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। किस मंत्रालय ने हाल ही में वैक्सीन सहयोग पर ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र और कार्यशाला का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है? किस मंत्रालय के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है?
तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसके जो मंत्री हैं मनसुख मंडाविया साहब, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वर्कशॉप वैक्सीन कोऑपरेशन थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। इंडिया प्लान्स टू ऑफर इट्स रोबस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर डेवलपिंग वैक्सीन फॉर ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका कंट्रीज एंड ऑल्सो द वर्ल्ड, यानी इन देशों के लिए भी हम निर्माता बनने चाहते हैं वैक्सीन के और हम वर्ल्ड के लिए भी, ठीक है। तो हमने इंडिया ने सप्लाई भी की 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन, ठीक दोस्तों याद रखिएगा। मार्च 2022 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने आखिरकार एक त्वरित प्रक्रिया कोड के साथ हाथ से बुने कश्मीरी कालीन के लिए भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री शुरू कर दी। किस वर्ष GI टैग रजिस्ट्री कश्मीरी कालीनों को GI टैग प्रदान किया गया। कश्मीर के जो हाथ से बुने हुए कालीन है, कश्मीर के जो हाथ से बुने कालीन हैं, इनको GI टैग कब दिया गया था? तो आप सभी बता दें इनको GI टैग दिया गया 2016 में। कब GI टैग दिया गया? 2016 में, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज फाइनली स्टार्टेड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री फॉर हैंड नोटेड कश्मीरी कारपेट विद क्विक रिस्पॉन्स कोड। और पहली खेप, एक बात और समझ लो, पहली खेप जर्मनी भेजी गई QR कोड वाले कालीनों की पहली खेप कहाँ भेजी गई? जर्मनी। और इसे GI टैग कब दिया गया था? 2016 में। एक युद्ध अभ्यास हुआ था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, अभ्यास डस्टलिक का तीसरा संस्करण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक। तो भारत और किस देश के बीच में अभी हाल ही में डस्टलिक का आयोजन किया जा रहा है? तो ये उज्बेकिस्तान। क्या है उज्बेकिस्तान? देखो 2020 में जो दस्तलिक जो एक्सरसाइजेस का आयोजन रानी खेत में किया गया था। कहाँ किया गया था? रानी खेत। और रानी खेत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है, यानी पिछले साल, ठीक। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? दस्तलिक का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? यांग यारिक में। और ये कहां पे? उज्बेकिस्तान में, ठीक दोस्तों। तो थर्ड एडिशन है एक्सरसाइज दस्तलिक का, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है दो देशों की आर्मी के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है। इन्होंने कंडक्ट किया है यांग यारिक उज्बेकिस्तान में 22 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये एक्सरसाइज चलेगी, ठीक दोस्तों। 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच पॉइंट इज करेक्ट? पहला पॉइंट, द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2021 फॉलोड बाय ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, यानी चौथी साल लगातार भारत की राजधानी नई दिल्ली सबसे गंदी राजधानी बनी हुई है, पॉल्यूशन वाली राजधानी बनी हुई है, इसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है, बिल्कुल सही है। इंडिया वॉज प्लेस थर्ड इन द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एस अफगानिस्तान वॉज प्लेस इन द फर्स्ट इन द लिस्ट। ये तो गलत हो गया। देखो भाई आप पहले समझ लो, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा बताया गया इसमें? बांग्लादेश को। तो यहां तो लिखा है अफगानिस्तान, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया, ठीक। पहला और दूसरा पॉइंट सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर लगेगा वो चौथा लगेगा, देखिए, ठीक। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir के द्वारा। पहला पॉइंट, दिल्ली यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है राजधानी में, इंडिया की पोजीशन पांचवी ना कि तीसरी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है तीसरी पोजीशन है, तीसरी की जगह भारत की पोजीशन फिफ्थ है। कौन सी है? फिफ्थ पोजीशन पे है भारत। और सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड कंट्री है वो बांग्लादेश है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट फॉलोड बाय, फिर चार्ड आता है, फिर पाकिस्तान आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उस कार्ड सेवा कंपनी का आपको नाम बताना जिसने हाल ही में नेचर्स बास्केट के साथ अंतरराष्ट्रीय पेटू कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों।
इंटरनेशनल पे टू कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेचुरल नेचर्स बास्केट के द्वारा, ठीक है, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट कार्ड, गवर्नमेंट करिए पे टू नहीं, गवर्नमेंट कार्ड लॉन्च किया गया। तो आप सभी को बताते हैं ये कार्ड एसबीआई कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड इंडिया प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इशूअर, सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर, द टीम अप विद नेचर बास्केट इंडिया प्रीमियर मल्टी चैनल गवर्नमेंट रिटेलर, ठीक है, टू लॉन्च नेचर्स बास्केट एसबीआई कार्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड। ये पहला अपनी तरह का क्रेडिट कार्ड होगा जिसे एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिजिटल 2.2 कार्यक्रम के तहत किस बैंक पर लगाए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो आपको बता दें एचडीएफसी बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे और इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, ठीक है, इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। The Reserve Bank of India has lifted all the restrictions placed on HDFC Bank regarding the business generating activities under the HDFC Bank Digital 2.0 program, ठीक है? In September 2.1, RBI has lifted restriction on HDFC banking on issuing new credit card, ठीक है दोस्तों? चलिए, किस कंपनी ने हाल ही में स्पेस एक्स के साथ उपग्रहों के प्रक्षेपण को फिर से शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हो गया था? तो वन वेब इज द करेक्ट आंसर। वन वेब के साथ फिर से स्पेस एक्स की पार्टनरशिप हो गई है। वन वेब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी ऑन भारती एंटरप्राइजेस अदर इन्वेस्टर साइन अ एग्रीमेंट विद स्पेस एक्स टू रिज्यूम द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट, ठीक है दोस्तों? तो अब ये अपने सैटेलाइट को फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। मार्च 2022 में भारत के व्यापारिक निर्यात क्षेत्र में वित्त वर्ष 2022 में एक नए शिखर को छुआ है। भारत ने जो टारगेट लिया था कि हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे, वो टारगेट 10 दिन पहले ही, जो समय दिया गया था उसके 10 दिन पहले ही अचीव कर लिया भारत ने, और 400 बिलियन डॉलर का वो अचीवमेंट कीर्तिमान हासिल कर लिया भारत ने, जो कि हाई टारगेट था, ठीक है। सो डॉलर 400 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया कर चुका है बिफोर द टाइम। द मर्चेंडाइजेस एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया सक्सेसफुली मेट डॉलर 400 बिलियन टारगेट विच वॉज सेटअप फॉर 21-22 नाइन डेज अहेड फॉर शेड्यूल्ड विद द ट्रांसलेटेड इन 37% इंक्रीमेंट ओवर एक्सपोर्ट वर्थ डॉलर 292 बिलियन इन फाइनेंशियल 21। तो आत्मनिर्भर भारत जो बात चल रही है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि हमने अपने टारगेट को 9 से 10 दिन पहले ही अचीव कर लिया है। 37% हमने अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया है 292 बिलियन डॉलर 2021 में, ठीक है दोस्तों। मालदीव सरकार के द्वारा हाल ही में मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सुरेश रैना को दिया गया। किसको दिया गया है? सुरेश रैना को दिया गया, ठीक दोस्तों। फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है सुरेश रैना, इन्हें अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्स आइकन का, मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, ठीक है दोस्तों, मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित स्टार स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड के संबंध में कौन सा बिंदु सही है, ये आपको बताना है। पहला, इंडियन ओलंपियन नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। लवलीना जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक में, इन्हें भी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। इंडिया मेन्स हॉकी वन टीम, ठीक है, टीम में टीम ऑफ द ईयर एंड रामचंद्र अश्विन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे 5 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो राजेश गोपीनाथन को टीसीएस का फिर से सीईओ और एमडी बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा राजेश गोपीनाथन को, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेके आया था। आपके लाखों डाउट्स के आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी के थ्रू। आप ऐप के थ्रू भी इसमें डाउट पूछ सकते हैं, अन अकेडमी ऐप पे जाएंगे, डाउट एंड सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आस्क अ डाउट पे क्लिक करके अपनी डाउट इमेज को अपलोड कर देंगे, फिर क्रॉप करके क्वेश्चन को हाईलाइट कर देंगे, उसका सब्जेक्ट फिल करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आप, हमारी एक्सपर्ट पैनल की टीम आपको प्रोवाइड करेगी एप्रोप्रिएट आंसर।
अगर सेशन में किसी भी सेशन में आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाएंगे तो आपको मिलेगा अमेजोन गिफ्ट वाउचर। और आप सभी को बता दें, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक